हाय गाइस, सेंगर कूलिंग जोन में आज फिर से आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज एक नया प्रोडक्ट फिर से लेकर हम आए हैं। और आज का प्रोडक्ट आपको बता दें, ये हमारा ट्रिमर मशीन है, जिसे राउटर मशीन भी बोला जाता है। ये प्रोफेशनल काम में यूज होता है। तो इसका यूज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप। ओके दोस्तों, मैं इसे खोलता हूँ और ओपन करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। और मैं आपको ओपन करने से पहले मैं बता दूं, ये सारे बीट इसके यूज के लिए होते हैं। तो ये मैंने बीट अलग से परचेस किया है, इसके साथ में कोई भी बीट नहीं मिला है। तो इसको भी आप अलग से परचेस कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के दिया गया है, तो अलग अलग डिजाइनिंग से इसकी कटिंग होगी। किस तरीके से कटिंग होगी वो मैं सारा का सारा आपको दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले इसके अंदर निकलता है, ये हमारा एक पैकेट है जिसके अंदर निकलता है, ये हमारे दो स्क्रू खोलने के लिए दिए गए हैं रिंच। ये दो तरीके का है, छोटा बड़ा साइज। तो हम इसको देखेंगे कहाँ पे यूज होता है। और इसके बाद ये अंदर हमारा दिया है कार्बन दिया है, जो एक एक्स्ट्रा कार्बन दिया है। अगर मोटर का कार्बन खराब हो जाता है तो ये इसको अलग हम लगा सकते हैं। और ये हमारा आगे का ग्रिप दिया है लगाने के लिए, जिससे हमारी मशीन जिसके ऊपर चलेगी हमारी। और ये हमारा सपोर्टर दिया है साइड से सपोर्ट लगाने के लिए मशीन को। और इसमें आपको बता दें, ये हमारा वारंटी कार्ड है। और इसमें हम देखा जाए तो इस ये आपका पूरा का पूरा बुकलेट है, जिसमें इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में है। तो इसको आप यूज करने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होता है और किस तरीके से मशीन को टाइप किया जाता है। और इसमें देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से निकल रहा है, जो मशीन पे हम लगाने के बाद इससे एडजस्ट किया जाता है आगे पीछे, कि हमारा सेटिंग करके कहाँ पर हमारे मशीन को कितने दूरी पर ऑपरेट करना है, इस हिसाब से ये इसके लिए बना है। और ये भी हमारा उसी से होता है कि ताकि अगर हम किसी भी दूरी से कटिंग करना चाहें तो कितनी दूरी से लकड़ी हमारी उससे बराबर पे कटिंग हो, तो इसलिए ये हमारे सपोर्ट के लिए होता है, कटिंग एक बराबर होने के लिए। ये सारा का सारा सेटअप दे रखा है। और इसके अंदर एक और हमारा सेटअप है, ये भी हमारे मशीन को दूर सेटअप करने के लिए होता है, कि जैसे कोई भी मशीन को हम यूज़ करना चाहते हैं तो कितनी दूरी पे हो, कितनी दूरी पे कटिंग करना है, कितनी दूरी पे नहीं करना है, उसके लिए ये सेटअप होता है। तो ये पूरा का पूरा मशीन को चलाने पे एडजस्ट किया जाता है इसको। और ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये मशीन हमारा निकला। आप ये मशीन देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लुक में है। और ये मशीन के आगे जो लगा हुआ है, जिस पे हमारा ये सपोर्ट होता है बैलेंसिंग, इस पे रखने के बाद और हम आराम से इजी तरीके से घुमा सकें, ये हमारा ऑन ऑफ के लिए बटन दिया है यहाँ पर। और इसको जैसे कि हम अगर चाहते हैं कि और ये बराबर पे है तो इसका और ऊंचाई पे आगे निकल जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर घुमाने के लिए दिया गया है, जिससे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको जैसे घुमाएंगे इसको आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। पहले तो पूरा का पूरा टाइट है, तो इसको हम लूज करेंगे हल्का सा। लूज करने के बाद फिर हम इसको आगे घुमाएंगे, तो ये देख सकते हैं ये आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, फिर ये पीछे की तरफ हो जाता है। इससे हम क्या करेंगे, बीट से हमारी कटिंग कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, तो ऊपर नीचे से एडजस्ट किया जाता है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा निकल भी जाता है ये बाहर हमारा, ये देख सकते हैं ये बाहर निकल गया। तो इसको क्या होता है, किसी प्लाई बोर्ड पर हम इसको लगा कर और नीचे से ये मशीन मोटर हमारी लग जाएगी। तो मोटर लगने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम वहाँ पर उसको एडजस्ट करके फिर इसके ऊपर प्लेट की हम कटिंग कर सकते हैं। आपको हम अभी एक एक चीज़ पिक दिखाऊंगा कि किस तरीके से कटिंग होती है इस मशीन की, कैसे नहीं होती है। और इसके जो ये बिट हमारा दिया गया है, ये बिट इसके इस होल के अंदर लगाया जाता है। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दो स्क्रू दिया गया है टाइट करने के लिए। एक नीचे वाले में क्या होता है कि जो हमारा ये जो हमारा रिंच दिया गया है, तो जो छोटा वाला रिंच है इसको हम क्या करते हैं कि नीचे लगाते हैं, जिससे फंसाने के बाद ये अपनी जगह से हिले ना। और ठीक ऊपर हमारा बिट लगाने के बाद ऊपर वाले में इसको ऊपर वाले रिंच लगाकर इसको टाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है अच्छी तरीके टाइट करने के बाद, जिससे हमारा बिट वहाँ पर अपनी जगह पर टाइट हो जाता है, तो निकलेगा नहीं।
तरीके से मैंने आपको सारा डिटेल इसका बता दिया, और आपको ये मशीन अगर अच्छा लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।